हर कीमत पर जो नर्सिंग होम डॉक्टर का नहीं है, 2 महीने का समय देते हैं, आप बंद करिए। जो कार्यालय से यहाँ से जाएगा चिट्ठी गरीब लेवल का, उसको 200 रुपया में एक्सरे किया जाए। फर्जी नर्सों के द्वारा महिला मरीजों का गलत तरीके से डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों माल आने, इसको रोक लगाने कि सिविल सर्जन ऑफिस को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पूर्णिया के नव निर्वाचित और निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जब से सांसद का चुनाव जीते हैं तब से जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पूर्णिया का एक एक चप्पा जो है छान रहे हैं। कभी बस स्टैंड तो कभी सरकारी अस्पताल तो कभी टोला मोहल्ला, शहर का हर कोना जो है वो छानते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ गाँव में भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी क्रम में पूर्णिया में आज जो है पप्पू यादव ने अपने कार्यालय अर्जुन भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस आयोजन के दरमियान मीडिया से मुखातिब उन्होंने सबसे पहले तो पूर्णिया के चिकित्सकों का आवेदन के द्वारा रेट का फिक्सेशन किया, जिसमें कहा कि अब आज से सर्जन डॉक्टर का चार्ज 300 रुपये होगा और फिजिशियन डॉक्टर का चार्ज 500 रुपये किया गया और पूर्णिया के डॉक्टर को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना आपके खुद के लाइसेंस का कोई भी पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, टीटी स्कैन, एमआरआई जांच वगैरह कोई भी इस तरह का नर्सिंग होम खोल के नहीं बैठेगा। तो डॉक्टर खुद अपने से पैथोलॉजी, नर्सिंग होम या कोई भी जांच घर खोल सकेंगे और ना ही किसी व्यक्ति से पैसे लेकर अपने नाम से कोई भी किसी भी तरह का जाँच घर, पैथोलॉजी वगैरह खोलने के लिए उसको लाइसेंस बनाकर देना है। और उन्होंने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से दलाली प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाए और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मरीजों को अगर हमारे भवन से उसके नाम से चिट्ठी जाएगी तो जो भी उनके इलाज में खर्च आएगा उसमें 30% की डिस्काउंट करने की कृपा करेंगे। और सभी चिकित्सकों से एक बार फिर से आगरा की सभी गरीब एवं जितने भी मरीज उनके पास जाएंगे उन्हें अच्छी सेवा देने का कष्ट करेंगे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, आप भी सुनिए। इस चिट्ठी में पहला है कि कोई भी पैथोलॉजी और नर्सिंग होम सिर्फ डॉक्टर का होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर किसी भी नर्सिंग होम को अपना पैसे पर बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं देंगे, ये सहमति। और वो भी जो पैथोलॉजिस्ट है डॉक्टर या सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो एमआरआई करने वाले हैं, उसी डॉक्टर का मात्र पैथोलॉजिस्ट होगा, ये सहमति। कोई भी पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, नहीं किए हुए हैं, उसको सिविल सर्जन किसकी ऑफिस किस आधार पर लाइसेंस दिया। और नर्सिंग होम जब डॉक्टर का नहीं है, हर कीमत पर जो नर्सिंग होम डॉक्टर का नहीं है, हम 2 महीने का समय देते हैं, आप बंद करिए। और डॉक्टर साहब से हमने आग्रह किया है अपना नाम वहां से वापस लीजिए, बहुत की। दूसरा, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग आएंगे उसको एक्सरे मुहैया कराने का हुआ कि जो कार्यालय से यहाँ से जाएगा चिट्ठी गरीब लेवल का, उसको 200 रुपया में एक्सरे किया जाएगा। सीटी स्कैन 1200 रुपया, 15-20 दिन पर जो बुलाए जा रहे थे डॉक्टर को अथी पेशेंट को और फीस लिए जा रहे थे, अब 1 महीने के बाद फीस लिए जाएंगे। 1 महीने के अंदर जिसकी भी जांच होगी उसमें पैसे नहीं लिए जाएंगे, जो रिव्यू होगा, एक भी रुपया 1 महीने के अंदर नहीं लिए जाएंगे। और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होंगे, जो 85 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, राशन कार्ड वाले, जो भी चिट्ठी भवन से मेरे नाम के द्वारा जाएगा उसके बिल को 30% छूट दी जाए, 30%
जी जो नर्सिंग होम में जो बिल आएगा पूरा इलाज जी। और जो फीस लेंगे देखने के, फिजिशियन 500 रुपया, सर्जन 300 रुपया एक महीने के बाद। वो बिलो पॉवर्टी लाइन फिर मैं आपको कह रहा हूं। फर्जी ICU NSU मेडिकल माफिया द्वारा चलाया जा रहा है। ICU जो डॉक्टर्स के नहीं है, गलत आदमी ICU चला रहा है, उसको अविलंब बंद कर देगा। मैंने चिट्ठी लिख दिया, कोई क्लब क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं ना ही प्रशिक्षित स्टाफ, जिसके चलते आए दिन मरीजों की मौत होती जाती है, हंगामा होता। जो नर्सिंग होम में डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो ICU नहीं गए, एकदम ICU नहीं रहे। और हम 2 महीने का समय दिए हैं कि इसको बंद करिए। फर्जी नर्सों के द्वारा महिला मरीजों का गलत तरीके से डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों माल आने, इसको रोक लगाने का। फर्जी मेडिकल दुकान वाले गरीब मरीजों का भला फुसला कर बिना डॉक्टर्स के लिखे आवश्यकता से ज्यादा दवाई देते हैं। जो बिना डॉक्टर के लिखे दवाई देते हैं उसके दुकान को बंद किए। मेडिकल माफिया का एक गिरोह सक्रिय, जो किसी भी क्लिनिक पर अप्रिय घटना तोड़फोड़ करता है, इस पर मेरी नजर पैनी दृष्टि है, सरकार इस पर नजर रखे। डॉक्टर की संस्था IMA पूर्णिया शाखा के द्वारा बार बार सालों से इस पर आवाज उठाया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा, अंकुश लगाने में विफल रहे, हंगामा ज्यादातर होती रही, बदनामी जो सही चिकित्सक है उसकी बदनामी होती रही। इसीलिए IMA सिविल सर्जन कार्यालय प्रशासनिक स्तर पर सम्मिलित रूप से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी किया जाए। और हमने लिखा है कि सिविल सर्जन ऑफिस को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए, और 3 साल से ऊपर जो 5 साल से वहां है, जो पैसा लेकर के 1 लाख रुपया जिन्होंने पैथोलॉजिस्ट को बिना डॉक्टर के दिया है, उस पर भी कार्रवाई। ये सहमति रात ये अंतिम सहमति ये है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेंगे कि मेरे ही अस्पताल का दवाई आप लें और अमुक जगह जांच करें। आपको जांच जहां अच्छा लगता है, जो सही जांच है वहां जाके करें। किसी भी अस्पताल में ये बाध्यता नहीं होगी, कोई डॉक्टर नहीं कहेंगे कि दवाई इसी हमारे का लिया जाए, किसी भी। पेशेंट को खड़े होकर के मरीज नहीं देखना है, मरीज को बैठने की व्यवस्था होगी। कंपाउंडर बैठे रहते हैं, मरीज मरता रहता है, खड़ा रहता है, ये नहीं होगा। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने किस तरीके से डॉक्टरों को चेता दिया है और दलालों को भी चेता दिया है, और साथ ही साथ पूर्णिया को स्वास्थ्य व्यवस्था में नंबर 1 बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, और साथ ही साथ सर्जन और फिजिशियन जो 500 रुपये से ज़्यादा फी लेते थे उनका रेट भी फिक्स कर दिया है। फिजिशियन 500 रुपये फी लेंगे और सर्जन जो है 300 रुपये फीस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ऐसा पप्पू यादव का कहना था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें, हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल है उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।